गजले मेरी मोहब्बत की बक्का ईशु तेरी मोहब्बत की बक्का स्वर भी मेरी गान तुम्हारा ईशु तेरे गीत गाने गजले मेरी मोहब्बत की बक्का ईशु तेरी मोहब्बत की बक्का स्वर भी मेरी गान तुम्हारा ईशु तेरे गीत गाने। ईश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आराधनात्मक मनन की और आप सभी का विनम्रता पूर्व स्वागत करता हूं। आइए आज के आराधनात्मक मनन के लिए हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 3:16। और याजक इन्हें वेदी पर जलाए, यह हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्ब भी यहोवा की है। पुराने नियम के समय परमेश्वर की आराधना करने के संबंध में आप ये अवश्य जानते होंगे कि आराधना बलि चढ़ाते हुए की जाती थी। महत्वपूर्ण 5 बलियों के बारे में आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक के प्रथम 7 अध्यायों में पढ़ सकते हैं। उनमें से प्रत्येक बलि किसी न किसी रूप में हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में चढ़ाया गया संपूर्ण बलि का प्रतीक है। पुराने नियम के काल में चढ़ाए गए पशु बलियों के अर्पण में पालन करने की एक अनिवार्य विधि यह थी कि जिन जानवरों को बलि के रूप में अर्पण करते हैं उसकी चर्बी अवश्य बलिवेदी पर जलाई जानी चाहिए। लेवी व्यवस्था 7:31। मांसाहार खाने वाले लोग अवश्य जानते हैं कि चर्बी उस मांसाहार का सबसे स्वादिष्ट भाग है। चर्बी मांसाहार का स्वाद बढ़ाता है, परंतु वचन सिखाता है कि चर्बी को अनिवार्य रूप में वेदी पर जलाई जानी चाहिए। बलिवेदी पर चढ़ाए गए मांस के साथ चर्बी जब जलती है उसमें से निकलने वाला सुगंध को परमेश्वर यहोवा निम्न बलि को अपने लिए अर्पण किया गया सुखदायक सुगंध वाला हवन के रूप में ग्रहण करता है। लेवी व्यवस्था अध्याय 1:8-9, 3:12-16 तक। उत्पत्ति 4:4 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों में से पहलौठे बच्चे को ले आकर उसकी चर्बी बलिवेदी पर परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाई, जिस पर परमेश्वर ने प्रसन्न हुआ। चर्बी के लिए पुराने नियम में इस्तेमाल किया गया इब्रानी शब्द शेलेव है। हम जानते हैं कि चर्बी यथपि स्वादिष्ट हो वो मनुष्य शरीर को मोटा कर देती है। अंग्रेजी में दोनों चर्बी एवं मोटा शब्द के लिए फैट शब्द का उपयोग करते हैं। भजन 119:70 में भजनकार इस प्रकार कहता है, उनका मन मोटा हो गया है परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। अंग्रेजी में निम्न आयत इस प्रकार है, देयर हार्ट इज कवर्ड विद फैट बट आई डिलाइट इन योर लॉ। इस आयत में भी फैट शब्द के लिए इब्रानी के शलेव शब्द का ही उपयोग किया है। भजनकार के अनुसार दुष्ट लोग इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था में सुख नहीं प्राप्त कर पाते, सुखी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका हृदय मोटा है। यह मोटापन का अर्थ घमंड है। मनुष्य कई चीजों पर घमंड करते हैं, अपनी ताकत क्षमता कुलीनता शैक्षिक योग्यता पदवी धन सुंदरता आदि कई चीजों पर हम घमंड करते हैं। चर्बी हमारी उन चीजों का एक प्रतीक है जिस पर हम घमंड करते हैं। चर्बी हमारे स्वयं अथवा अहम का भी प्रतीक है। हमारे स्वयं को या हमारी उन चीजों को जिसे हम श्रेष्ठ समझते हैं इस संसार में या जिस पर हम घमंड करते हैं, जब तक हम परमेश्वर के सामने उनके बलिवेदी की आग में जलाते नहीं तब तक हम ना ही परमेश्वर के वचन में अपना सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, ना ही हम परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य आराधना कर पाएंगे। आराधना केवल एक कर्म से बढ़कर परमेश्वर के सामने ये हमारा स्वयं का अर्पण है। वहां हम हमारी उन सब वस्तुओं का अर्पण करना होगा जिसे हम प्रेम करते हैं, जैसे अब्राहम ने अपना उस पुत्र का जिसे वह प्रेम करता था अर्पण किया। आराधना संसार के हमारी उन सभी चीजों से जिसे हम सर्वश्रेष्ठ समझते हैं अधिक परमेश्वर को श्रेष्ठ समझने की एक मानसिक अवस्था है। ऐसी एक आराधना परमेश्वर के लिए चढ़ानी हो तो हमें परमेश्वर के उस प्रेम को जो उन्होंने हमारे साथ किया है सही मायने में समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इसलिए मरने दिया क्योंकि उन्होंने अपनी सारी वस्तुओं से यहाँ तक अपने पुत्र से भी बढ़कर हमसे प्रेम
किया, हमारी चर्बियों को अर्थात संसार के हमारे सभी प्रिय वस्तुओं को कूड़ा समझकर स्वयं को यदि परमेश्वर के सामने जलाने के लिए यदि हम तैयार हैं, तो हम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य एक आराधना का अर्पण कर पाएंगे। आज इस सुबह सप्ताह के प्रथम दिन परमेश्वर की आराधना कलीसियाई रूप में करने जाने के पूर्व हम अपनी सारी चर्बी को परमेश्वर के सामने जला देते हैं, ताकि प्रभु की उपस्थिति में बैठकर हम प्रभु से ये कह पाए कि प्रभु मेरे जीवन में आपसे बड़ा कोई नहीं है, मेरा धन, मेरी पढ़ाई, कुलीनता, सुंदरता, पदविया, सब कुछ को मैं कूड़ा समझता हूँ, आपसे बढ़कर मैं कोई मेरी अन्य प्रिय वस्तुओं को कभी भी श्रेष्ठ नहीं समझूंगा, आप ही मेरा एकमात्र प्रिय है प्रभु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु को अपने सबसे प्रिय जानते हुए उनकी आराधना करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। अपने को भी दे दिए मुझको, क्या बदले इसके तुझको, भजते रहूंगा हर पल तुझको, भजते रहूंगा हर पल तुझको, कहते रहूंगा मैं ये सबको, गजले मेरी मोहब्बत की बरखा, यीशु तेरी मोहब्बत की बरखा, स्वर भी मेरी गान तुम्हारा, यीशु तेरे गीते गाने, गजले मेरी मोहब्बत की बरखा, यीशु तेरी मोहब्बत की बरखा, स्वर भी मेरी गान तुम्हारा, यीशु तेरे गीते गाने।